Neitelevi! 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 आज हमने सभी मिशनरी स्कूल्स के बारे में जो फीस बढ़ा चुके हैं ये उनके बारे में हमने प्रदर्शन किया है। आज जैसे भी मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसके लिए हमने उनके लिए प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन में इनसे मांग करी है कि मतलब फीस को कम करा जाए और अगर फीस को ये कम नहीं करते हैं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। उग्र प्रदर्शन के साथ साथ हमें स्कूलों को बंद कराना पड़ा तो स्कूलों को बंद भी कराएंगे और सभी को मतलब कम से कम फीस होने का मतलब हाँ पुलिस प्रशासन ने हमको रोका है क्योंकि हमने एक बार इनको पहले भी अल्टीमेट दिया था स्कूल प्रशासन को फिर भी ये मतलब कि इनकी सुनवाई नहीं की गई इन्होंने। फिर हमने फिर दोबारा प्रदर्शन किया है और आगे अगर नहीं सुनते हैं तो फिर आगे और हम प्रदर्शन करेंगे। आज आपने कहाँ करा था प्रदर्शन? सेंट पॉल स्कूल अलवर गेट चौराया। आपका नाम? ऋषभ पटेल। तरीके से मिशनरी स्कूलों की मनमानी चल रही है, इनके द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं इस बार इन्होंने स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो मीडियम क्लास फैमिलीज हैं, अब उनकी एकदम से बिना किसी सूचना के एकदम से फीस बढ़ा दी है जो अफोर्डेबल नहीं है। आज एनएसएस संगठन द्वारा इसी का विरोध किया है और फादर से बातचीत करी है कि ये फीस जो बढ़ाई है वापस ली जाए, अगर नहीं बढ़ाई तो एनएसएस संगठन द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमारे को अजमेर शहर की सारी मिशनरी स्कूलों को बंद कराने की नौबत आई बंद भी करवाई जाएगी, ये मामला रुकेगा नहीं क्योंकि इनको बढ़ी हुई फीसें वापस लेनी पड़ेगी। फादर ने क्या जवाब दिया? फादर ने आश्वासन दिया है कि हमने जो बढ़ी हुई फीस थी उसके आंकड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे दिए हैं, तो हमने मांगा कि फादर जो फीस बढ़ी है वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी बढ़ी हुई फीस, क्योंकि लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, अभिभावक मानसिक रूप से अवसाद में है, कोई भी ऊंच नीच होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। और हमने सोमवार तक अल्टीमेटम दिया है, अगर बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती है तो स्कूल को बंद कराया जाएगा, स्कूल को बंद कराया जाएगा या छात्रों को अनशन पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो एनएसयू का हर छात्र भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार। आज सेंट पॉल स्कूल के पास प्रदर्शन किया, रियाज खान एनएसयू।